हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है क्रिएटर सुपर 30 पर। आज हम लोग धूम मचाने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 8 में। ठीक है, चलिए आते हैं, रूल को सीखते हैं, समझते हैं अच्छे से। चलिए, रूल नेक्स्ट में ये है, इट इज़ प्लस नाउन या प्रोनाउन। इस रूल्स में देख रहे हैं इट इज प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस हु प्लस वर्ब। तो ये जो स्ट्रक्चर है नेक्स्ट रूल का, ये है आपका इट इज नाउन और प्रोनाउन प्लस हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है, जिसका हिंदी होता है जो। क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है जिसका हिंदी होता है जो? ठीक है, सब लिखेंगे अभी तुरंत। और ये जो वर्ब यूज होंगे इस नाउन प्रोनाउन के अनुसार, मींस हु के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है, ठीक है, जो भी नाउन प्रोनाउन यूज किया जाएगा यहाँ पर हु के पहले, उसी के अनुसार आपका वर्ब का यूज किया जाएगा। मींस यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है इनके नंबर, नाउन के नंबर हो या प्रोनाउन का, ये सिंगुलर भी आ सकते हैं, प्लूरल भी आ सकते हैं, ठीक है, दोनों। अगर सिंगुलर आएंगे तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होंगे, अगर ये प्रोनाउन, यदि प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा, यदि प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पर आने इसके बाद ये जो वर्ब यूज होगा यहाँ पर आपका वर्ब प्लूरल ही होगा, सिंगुलर होगा तो प्लूरल, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। ठीक, ये पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, मीन्स नाउन सिंगुलर तो यहाँ पर आने वाला वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर तो आने वाला वर्ब यहाँ सिंगुलर होगा, ठीक है, प्लूरल तो प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन तो वर्ब प्लूरल। ठीक, अब ये बात थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हु जो है ना, इसका हिंदी होता है जो या जिसने, ठीक है, या वही, मीन्स मीन्स यहाँ पर जो रियल सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन होंगे, मीन्स हु के पहले ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, किस रूप में यूज हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है वो प्रोनाउन टॉपिक में बताएं, लेकिन इसका हिंदी होता है जो जिसने, ठीक है, जो या जो जिसने, जो या जिसने, जैसे या एग्जांपल देखते हैं, देखिए एग्जांपल देखते हैं इनका, एग्जांपल में It is they who always help me. ठीक है, इट इज दे हु ऑलवेज हेल्प मी, इसका ये हिंदी होता है कि ये वही लोग हैं
जो मुझे हमेशा मदद करते हैं। वे लोग वही हैं जो मुझे हमेशा मदद करते हैं। अब तो इनका हिंदी हुआ इस वाक्य का, वही लोग हैं जो मुझे हमेशा मदद करते हैं। ठीक है, अब इसका जो है वर्ब क्या होगा, क्या ये वर्ब जो यूज किया गया है क्या सही है या गलत है, इसको अब देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ही तो सीखना है हम लोगों को। अब देख रहे हैं कि ये जो हेल्प आया हुआ है, ठीक है, हेल्प जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब कि ये जो वर्ब यूज हुआ है बिल्कुल सब्जेक्ट के अनुसार यूज हुआ है। मीन्स दे मीन्स वे लोग मीन्स प्लूरल प्रोनाउन, वे लोग बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग संख्या बहुत सारे संख्या में है, इसका पहले बहुत सारे लोग हैं है ना, प्लूरल में है, इसलिए आने वाला वर्ब भी प्लूरल में होंगे। ठीक, एक वन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल देखते हैं। इट इज आई हु इज आर आई एम गोइंग टू हेल्प यू। इट इज आई हु इज आर आई एम गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हो रहे हैं, बन रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके, और इसमें ये समझते हुए आगे बढ़ना है कि इनके एरर्स किस रूप में आते हैं। अब यहाँ पर इट इज आई टू हु जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो है, इनके पहले आई आया हुआ है जो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर होता है, और आई के अनुसार इज नहीं होते हैं ना आर यूज किए जाते हैं, आपका आई आता है। ठीक है, तो रियल सब्जेक्ट कौन हुआ, ठीक है, रियल सब्जेक्ट आपका आई हुआ। ठीक है, हु के पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट आते हैं वही आपका आपका सब्जेक्ट होता है। अब इनके हिंदी वाक्य क्या है इनका, इट इज आई, मैं ही हूँ जो बाजार, जो मैं तुम्हें मदद करने जा रहा हूँ। इट इज आई हु इज आर आई एम, तो इसमें क्या, इट इज आई हु आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं ही हूँ जो तुम्हें मदद करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगी हिंदी इसकी बात। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल हुए इस रूल्स के। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन, ठीक है, नाउन जो नेमिंग वर्ड है ना, सब्जेक्ट के रूप में आया हो, प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल पर समझते हैं। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी, ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, मींस इसके पहले पार्ट 7 तक जो वीडियो अपलोड हुई है ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, उसमें भी हर बार बताया गया है कि कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं जैसे हु, विच, दे, हु, विच, दैट। ठीक है, तो यहाँ हु और उसके पहले उसमें आप देखेंगे पिछले वीडियो में, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी यही कंसेप्ट बताया जाएगा कि हु से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वहाँ रूल दिया गया है पिछले वीडियो में, आप उससे बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में आएंगे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए या आपका एरर के रूप में आए, सब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। चलिए आगे नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, यह रूल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब रूल नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। ठीक है, जो
ऑलमोस्ट लोगों में लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, जो नेक्स्ट रूल है वह है आपका मोर प्लस दैन प्लस वन प्लस नाउन। ठीक है, ये आपको नेमिंग दे देते हैं ए, क्या है आपका ए, ए। इस रूल में ए बी सी करेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल इस पैटर्न पर थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होते हुए रूल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर में मोर प्लस देन वन नाउन एसियन मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मीन्स एस मीन्स सिंगुलर, एस मीन्स सिंगुलर, सी मीन्स काउंटेबल, सी मीन्स काउंटेबल, एन मीन्स नाउन। काउंटेबल मीन्स जिसको हम जिस नाउन को हम गिन सकते हैं काउंटेबल उसी को कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर एक वचन जिस ओनली वन को, ओनली वन, ओनली वन, ओनली ओनली वन, ओनली वन, ओनली 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 वन, ओनली वन, सिर्फ एक। ठीक है, सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक, ओनली वन, सिंगुलर मीन्स ओनली वन, सिर्फ एक काउंटेबल। सी अब देखिए मोर मीन्स ज्यादा, मोर मीन्स क्या होता है हिंदी ज्यादा, मोर देन, देन मीन्स से, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा इसका हिंदी हो रहा है, मोर देन वन, एक से ज्यादा क्या नाउन, एक से ज्यादा कोई भी नाउन है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह वर्ब हमेशा फिक्स्ड यहां है, वर्ब आपका, वर्ब आपका सिंगुलर है, आपका वर्ब सिंगुलर है। ठीक, अब इसके एग्जांपल देखते हैं थोड़ा। ठीक है, मोर मीन्स ज्यादा, मोर देन वन नाउन उसी सिंगुलर काउंटेबल मीन्स, यहां आप एग्जांपल देखते हैं थोड़ा, एग्जांपल मोर देन, मोर देन वन स्टूडेंट वॉज वर प्रेजेंट टूडे, मोर देन वन स्टूडेंट हैज वॉज वर प्रेजेंट टूडे, एक से ज्यादा विद्यार्थी आज उपस्थित था, मोर देन वन स्टूडेंट एक से ज्यादा विद्यार्थी प्रेजेंट था। अब इस रूल में बिल्कुल लोगों को कन्फ्यूजन होता है, देखते हैं कि अरे मोर देन वन मान एक से ज्यादा, तो इनको सब्जेक्ट ना लोग प्लूरल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सब्जेक्ट प्लूरल, लेकिन ये जो सब्जेक्ट बन रहा है ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आपका बिल्कुल सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म हो रहा है सिंगुलर, इसलिए आने वाला वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा, वाज था, एक से ज्यादा विद्यार्थी आज प्रेजेंट थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट और एग्जांपल, और मोर एग्जांपल, मोर देन वन सिंगर हैज
हैव कम मोर देन वन हैज कम more than one singer has have come at the party ab more than one singer ek se zyada gayak पार्टी में आए हैं हैज कम एट द पार्टी देन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा नहीं सिंगुलर होगा और आने वाला वर्ब भी क्या होगा जी सिंगुलर होगा हैज सिंगुलर होता है प्लूरल होता है ठीक है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये रूल नंबर ए है सेकेंड रूल का ठीक है आगे नेक्स्ट रूल बी रूल बी में क्या है स्लाइट डिफरेंस मोर आएगा मोर मीन्स ज्यादा मोर प्लस देन प्लस टू थ्री फोर ऐसे करते थोड़ा सा रूल नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं रूल जो बी है इस तरह से है मोर प्लस देन प्लस टू थ्री फोर प्लस प्लस नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है क्या है कि मोर के पास देन आया देन के बाद टू थ्री फोर काउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव आया है ठीक है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है ये टू थ्री फोर ठीक है विशेषण आया हुआ है उसके बाद नाउन प्लूरल है और वह भी प्लूरल है ठीक है जैसे एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर करते हैं मोर देन थ्री मोर देन थ्री students more than three students were present today more than three students were present today जैसे रूल है वैसे बिल्कुल आया हुआ है देखते हैं यहां पर मोर देन थ्री तीन से ज्यादा विद्यार्थी लोग आज उपस्थित थे ठीक है तो अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ठीक है कि ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा मींस आपका ये जो यहां सब्जेक्ट जो बन रहा है वह आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है ठीक है मोर देन थ्री स्टूडेंट्स तीन से ज्यादा विद्यार्थी है ना क्या थे उपस्थित थे तो आपका ये जो सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट प्लूरल बना
इसलिए आने वाला वर्ब आपका प्लूरल हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अब नेक्स्ट जो रूल है, रूल सी, ठीक है। इस रूल में आप देखिए थोड़ा सा फिर स्लाइट डिफरेंस है। मोर प्लस नाउन PCN means plural countable noun plus अब इस noun के बाद then आया। अब इस then के बाद क्या आएगा तो one numeral adjective, उसके बाद noun जो ये आएगा बिल्कुल SCN आएगा, ठीक है। SCN PCN समझ रहे, पीसीएन क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। मोर देन, मोर प्लस नाउन। देखिए अब थोड़ा स्ट्रक्चर को डीपली समझते हैं, ठीक है, कि डीपली क्या समझते हैं। यहां देखिए कि मोर के तुरंत बाद आपका नाउन आया है, वो नाउन आपका प्लूरल आया है, ठीक है। क्या आया है, प्लूरल बिल्कुल आया है। और तब इसके बाद देन जो आया है, देन मीन्स से, ठीक है, वन, और वन के बाद सभी को पता है कि नाउन हमेशा वन के बाद सिंगुलर रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो वर्ब आएंगे वह वर्ब आपका प्लूरल होगा, लेकिन आपका वर्ब यहाँ फिक्स्ड है कि प्लूरल होगा, फिक्स्ड है कि वर्ब प्लूरल मीन्स आपका ये सब्जेक्ट प्लूरल बन रहे हैं। मोर नाउन तुरंत नाउन, यहाँ पर क्या आया था मोर देन टप टू थ्री, उसके पहले क्या था मोर देन वन, ठीक है। इस तरह से स्लाइड डिफरेंस है, इसलिए एक स्लाइड में रख दिया आपको कि आपको बिल्कुल याद हो जाए ये रूल, ठीक है। इनके थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल कम से कम समझ लेते हैं, ठीक। एग्जांपल में मोर बॉयस देन, मोर बॉयस देन वन, हाँ एक वन मिनट, थोड़ा रूल में मिस्टेक हुआ है लिखते वक्त। यहाँ पर कोई नाउन आएंगे, यहाँ पर ब्लैंक होंगे, क्या होंगे, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक होंगे, कोई नाउन नहीं होंगे, यहाँ पर फ्लो में लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। वन के बाद तुरंत वर्ब आएगा, वो वर्ब क्या होगा, क्या होगा जी, प्लूरल होगा, ठीक है। मोर बॉयज देन वन हैव हैज हैव More than one boys has have gone to market today. More boys than one has have gone to market today. ठीक। अब यहाँ वर्ब प्लूरल फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, यहाँ पर वर्ब प्लूरल कौन है तो है प्लूरल है, हैव हैज हैव गॉन टू More boys than one has have gone to market today, तो आपका verb plural होगा ना कि singular होगा, क्योंकि rule आपको बता रहा है। Means more boys, बहुत ज़्यादा लड़के, एक से ज़्यादा लड़के
एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लड़के, एक से मोर बॉयज, एक से ज़्यादा लड़के जो हैं, ठीक है, वो गए हैं आज कहाँ, मार्केट, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट व अग्रीमेंट का वीडियो नंबर पार्ट वन, मान वीडियो पार्ट एट आपका यही समाप्त होता है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट रूल के साथ, न्यू रूल के साथ, नए जोश के साथ, ठीक है, नए उमंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।